बेंगलोर का चोर बाजार भी कहा जाता है इसको। और ना ये पैंट्स कितने का है? 100 रुपए। यहाँ पे आप लोगों को जिम का सामान भी मिल जाएंगे। 70 साल पुराना है भाई। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माई चैनल। आप लोग थंबनेल देख के समझ भी पाएंगे आज मैं कहाँ आया हूँ। ये बेंगलोर का चोर बाजार भी कहा जाता है इसको, और ऐसे लोग बोलते हैं इसको संडे मार्केट। मैं पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे भाई बहुत सस्ते में सामान मिलता है, और फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, साइकिल हो गया, ये चीज़ें बहुत सस्ते में मिलता है। कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। ये संडे को ही खुलता है सिर्फ, और आपको आना है तो भाई ये 10 बजे के बाद खुलता है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसा है, और सामान का रेट कितना है मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और गाइस यहाँ पे सारा कपड़े का दुकान है, मैं पूछ के दिखा रहा हूँ कि कितना रेट है। ये भैया ये शर्ट कितने का है? भाई 150 करके शर्ट्स मिलते हैं। ये देखो भाई, और ये पैंट सब कितने का है? वो भी 150, कुछ ज़्यादा नहीं। तीन कलर मिलेगा भाई, बहुत सस्ते में कपड़ा मिल रहा है। 150 रुपये में शर्ट मिल रहा है यार, बहुत समझ ही पाएंगे आप लोग। अन्ना ये पैंट्स कितने का है? 100 रुपये। 100 रुपये सब कुछ। और ये भाई ये देखो पैंट्स, ये 100 रुपीज़ में ये अंकल बेच रहा है। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत सस्ते में मिल जाता है। और भाई क्राउड देख रहे हो कितना ज़्यादा है, आज संडे का दिन है, सबको फ्री है, तो इसी वजह से कम सस्ते में सामान मिल रहा है, तो यहाँ पे सबको आ रहा है। अंकल ये हेडफोन सब कितने करके है? ये बोलो 350। इतना ज़्यादा? और गाइस यहाँ पे आप लोगों को स्पीकर उस्पीकर सब कुछ मिल जाएगा, स्टैंड भी मिल जाएंगे, ये स्टैंड सब कुछ मिल जाएंगे आप लोगों को, और ट्रिमर भी मिलेगा भाई। अंकल ये कितने का है? ये कितने का है? 300। और भाई ये देखो स्पीकर, बहुत सारे स्पीकर है, आप लोग यहाँ से आके खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जिम का सामान भी मिल जाएंगे। ये देखो भाई, ये देख पा रहे हो अंकल, ये कितने का है? कितने का है ये? 800 रुपये में दो। भाई ये देखो भाई, 800 रुपये में दो मिल रहा है। कितने के जी का ये? 4 kg। 800 रुपये में दो भाई, 4 kg वाला बहुत सस्ता ही है। ये देख पा रहे हो यार कितने सारे सामान है यहाँ पे। आप लोगों को जिम का सामान चाहिए भाई, तो आप बड़े बड़े शोरूम पे ना जाके यहीं पे खरीदेंगे ना, तो सेम होगा, लोहे का तो वजन वही रहता है, तो आप ठगेंगे नहीं, इसमें आराम से आप खरीद सकते हैं। नहीं तो बाहर कहीं जाएंगे तो ज़्यादा ही लग जाएगा पैसा, मतलब शोरूम में खरीदने का कुछ ज़्यादा ही पैसा लग जाएंगे, या दुकानों में खरीदेंगे तो। और गाइस यहाँ पे एक कपड़े का दुकान है जो 100 में 3 टी शर्ट दे रहा है यार, अच्छा ही टी शर्ट है यार, ले सकते हैं। एक टी शर्ट 33 का पड़ता है। अच्छा यार, और ये भैया बेच रहे हैं, कितना रेट कितना है इसका? 100 का 3 भाई, 100 का 3। और पैंट्स भैया, पैंट्स 300 का 3 भाई, कितना सस्ते में है यार। अंकल बोल रहा है कि एक वीडियो बना लो यार, इसलिए मैं सोचा कि यार बना लेता हूँ। अंकल ये रेट कितना है इसका? इसका 2000। ये इतना ज़्यादा क्यों? तो अगर कोई आएगा तो मतलब कम कर सकते हैं कि नहीं? वो मैनेज कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे आके आप लोग हीटर लेंगे तो मैनेज कर सकते हैं अंकल, टेंशन नहीं है वो। और भाई पुराना वाला कैमरा भी है, देखो यार ये देखो, और रेडियो भी है यार, टाइपराइटर भी है, बहुत सारे चीज़ें यार, पुराना पुराना चीज़ देखने को मिल रहा है। अंकल ये क्या है? ये फिल्म प्रोजेक्टर है भाई, फिल्म प्रोजेक्टर। कितने साल का है ये? ये पड़ेगा एक 78 रेट, 78। 70 साल पुराना है, 70 साल पुराना है भाई, ये देख पा रहे हो यार मतलब क्या ही बोले यार।
घर के लिए जितने भी है सेकंड हैंड सब कुछ मिल जाएंगे। और ये गैस स्टोर है कुछ 1600, मतलब कोई आएगा तो यहाँ पे कम ज़्यादा करके दे सकते हैं। और फिर भी कितना पड़ेगा? 1500 रुपये ही पड़ेगा, उससे कम नहीं होगा। वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब कैमरा मत ही करो, मतलब वीडियो मत करो। और गाइस ये देखो भाई, हर जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। बहुत पुराना पुराना सामान है। रेडियो देखो भाई कितना ज़्यादा पुराना है। ये देखो भाई रेडियो हो गया, देखो तीन रेडियो है, तीन नहीं बहुत सारा है यार, बहुत सारा रेडियो है। और सब कोई पुराना चीज़ें हैं यहाँ पे। आप लोग घर पे सजा सकते हैं सब चीज़ें। और गाइस यहाँ पे कुछ आदमी आके मुझे बोल रहा है कि भाई वीडियो मत करो यहाँ पे, इसी वजह से भाई वीडियो बंद कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ बाहर, मार्केट के बाहर मिलूँगा। और गाइस मैं अभी संडे मार्केट से बाहर आ गया हूँ और मेजिस्टिक में हूँ, बस स्टैंड के पास ही। वहाँ पे भाई वीडियो करना मना था, बहुत ज़्यादा आदमी सब बोल रहा था कि मत करो। और कुछ आदमी तो आ गया था कि बोल रहा है कि भाई बंद करो नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेंगे, नहीं तो इसी वजह से मैं बोला कि भाई कोई झंझट नहीं चाहिए, बंद कर दिया कैमरा। उसके बाद आ गया मैं बाहर आ गया, जैसे ही बाहर आया मेट्रो स्टेशन में वीडियो करने लगा भाई, वहाँ पर पुलिस पकड़ लिया। आज यार दिन ही ख़राब है। और गाइज वहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा लैपटॉप का दुकानें भी है और फोन्स का भी दुकान है, लेकिन वहाँ पे भाई वीडियो नहीं कर सकता क्योंकि वो सब चोरी का माल है। और चोरी का माल वीडियो करोगे तो पकड़ा जाएगा वो लोग, इसी वजह से भाई वीडियो नहीं करने दिया। और गाइज वहाँ पे बहुत सारे अच्छे आदमी भी थे जो मुझे वीडियो करने दिया, मूड ख़राब हो गया जाके वहाँ पे। अच्छा नहीं लगता यार कोई रोक टोक करता है तो, और प्रॉब्लम भी होता है यार कि वीडियो करते करते कोई टोक दे तो मतलब एक अजीब सा फील होता है। और गाइस अभी मुझे बस पकड़ना है फिर जाना है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।